श्रीगंगानगर के लालेवाला गांव में जहरीला पानी पीने से एक महिला की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 14 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि लालेवाला गांव के रहने वाले मनीराम मेघवाल के घर में रखे मटके का पानी पीने से पहले घर के 5 सदस्यों की अचानक से ही तबीयत खराब हो गई और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मनीराम मेघवाल की पत्नी सुशीला देवी को इलाज के लिए श्रीगंगानगर लाया जा रहा था कि तभी उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। पानी पीने से बीमार हुए मनीराम मेघवाल, उसके दो बेटे और दोनों बहू की तबीयत खराब होने से उन्हें इलाज के लिए श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज अब भी जारी है। आपको बता दें कि उधर दूषित पानी पीने से सुशीला की हुई मौत की जानकारी उनके पीहर पक्ष को दी गई और सूचना मिलने के बाद वे सभी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन सबको भी उसी मटके से पानी पीने दिया गया। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 14 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। मटके का पानी पीने से इन 14 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और एक महिला की इसमें मौत भी हो चुकी है, तो वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है, लगातार इलाज जारी है। घमुड़वाली थाना के लालेवाला गांव की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 14 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और मटके का पानी पीने से ये तबीयत बिगड़ गई है। 14 लोगों की बेहद बुरी स्थिति यहां पर बताई जा रही है, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है तो वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता कमलदीप फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी कमलदीप, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। जी लवीना, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को मणिराम के परिजनों में मटके का पानी भरा था सुबह, और शाम को जैसे ही उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद उनको काफी सीरियस हो गया और उल्टी दस्त वगैरह उनको काफी आने लगी। वॉमिटिंग आने से उनको श्रीगंगानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ एक उनके परिवार की महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने की सूचना मिलते ही जब उनके परिजन मिलने के लिए घर आए, तो घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने भी पानी पिया, जिससे 9 लोग और घायल हो चुके थे, जिन्हें अस्पताल में आज सुबह ही भर्ती करवाया गया। जी कमलदीप, और क्या कुछ सामने आ पाया है, क्या कोई हत्या का संदेह जताया जा रहा है? जी ऐसा अभी कोई संशय नहीं है, अभी पुलिस इस बारे में जांच जुटा रही है। स्पेशल टीम ने पानी का सैंपल भर लिया है, अभी आगे की जांच जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी कमलदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से श्रीगंगानगर से खबर बता रहे, जहां एक ही परिवार के 14 लोगों की मटके का पानी पीने से तबीयत बिगड़ गई है और लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें आपको बता दें कि एक महिला की मौत हो चुकी है तो वहीं दो की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है।